आम आदमी पार्टी के विधायक आतिश से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है, एमसीडी में अब फंड को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से, सीनियर लीडर अतिशी हमारे साथ हैं। अतिशी जी, नॉमिनेशन हो चुका है, ऐसे में क्या लग रहा है कि मेयर डिप्टी मेयर दोनों आम आदमी पार्टी का ही? बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है एमसीडी में और कोई भी और पार्टी रेस में नहीं है। बस ये हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो किसी इंडिपेंडेंट के पीछे अपनी राजनीति ना करे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली को साफ करने का मैंडेट दिया है और उसी मैंडेट के तहत शेली ओबेरॉय जी दिल्ली की पहली यूनिफाइड मेयर बनेंगी, आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर बनेंगे। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम अपना उम्मीदवार नहीं मैदान में उतारेंगे, और जो कमिटमेंट दिल्ली सरकार ने एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता के लिए किया वो कमिटमेंट को वो पूरा करें, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशियों की काफ़ी जोर शोर से चर्चा देखने को मिली, क्या लग रहा है इन सबके बीच में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता ने पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, कुशासन किया, इस वजह से उनको एमसीडी से निकाल के बाहर किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी भी डर्टी ट्रिक्स करने से बचती नहीं है, तो पूरे हाउस में 250 के हाउस में 3 इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं। तो अगर कोई एक इंडिपेंडेंट अपना नॉमिनेशन फाइल कर देता है तो ये बिल्कुल साफ है कि किसके द्वारा सपोर्टेड है और कौन उनको वोट देने वाला है। एक अंतिम सवाल, हमेशा देखा गया है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित एमसीडी की सरकार के बीच में फंड को लेकर तनातनी देखने को मिली। अब सरकार केजरीवाल की, पार्षद केजरीवाल का, दोनों में आपकी सरकार है, ऐसे में क्या लग रहा है फंड की समस्या खत्म होगी? देखिए, जो एमसीडी में फंड की समस्या है वो वहाँ पे भ्रष्टाचार की वजह से है, वरना आप देश भर में देखिए बहुत सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेल्फ सफिशिएंट है। आप दिल्ली सरकार में देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई थी तब 30,000 करोड़ का सिर्फ रेवेन्यू था, आज दिल्ली में 75,000 करोड़ का रेवेन्यू है, क्योंकि एक ईमानदारी से अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार चलाई है। उसी तरह से ईमानदारी से एमसीडी भी चलाएंगे और एमसीडी को फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की आम आदमी पार्टी से, सीनियर लीडर अतिशी से। तो जिस तरीके से सरकार केजरीवाल की और पार्षद भी अब केजरीवाल के हो चुके हैं, तो देखना होगा आने वाले दिनों में फंड की समस्या किस तरीके से खत्म होती है और किस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली साफ सुथरी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी से विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि सर्वसम्मति के साथ हमारे पार्षद प्रत्याशी चुने जाएंगे और अभी तो शपथ भी नहीं ली गई है, लेकिन अभी से दिल्ली एमसीडी में काम होने शुरू हो चुके हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता, नॉमिनेशन भी मेयर डिप्टी मेयर को कर लिया गया, लेकिन आगे क्या कुछ और किस तरीके से काम किया जाएगा, बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से एमसीडी प्रभारी सीनियर लीडर दुर्गेश पाठक जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, चुनाव जीत लिया, मेयर का नॉमिनेशन हो गया, 6 तारीख को मेयर अपनी कुर्सी पर भी बैठ जाएंगे, आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि आप एमसीडी प्रभारी भी हैं। देखिए, दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिया, उनकी उम्मीद ये थी कि भाई दिल्ली देश की राजधानी है, ये बाकी देशों की राजधानी की तरह क्यों नहीं है, और उस होप से लोगों ने वोट दिया। उस सारी जो उनकी आशाएं हैं वो कैसी पूरी हो, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा ब्लूप्रिंट भी बनाया है। आज हमारे साथियों को जिम्मेदारी मिली है उस चीज़ को पूरा करने की। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको ताकत दें, वो लगातार काम करें, ईमानदारी से काम करें और सारी चीज़ों को पूरा करें। और निश्चित रूप से हमने तो अभी शपथ भी नहीं लिया हमारे तो, लेकिन आपको दिल्ली साफ सुथरी होनी दिखनी स्टार्ट हो गई होगी। क्या लग रहा है, सर्वसम्मति से मेयर बनेंगे? नहीं नहीं, सारा बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के अंदर आपको साफ सुथरा दिखने लग गया होगा, 15 दिन के अंदर हमने दिल्ली साफ कर दी, तो आप सोच सकते हो कि अगर नीयत अच्छी होती तो कितना अच्छा होता। बाकी सारी गारंटियां भी पूरी, जो कमिटमेंट की है 5 सालों के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हटाना, जिसको लेके बीजेपी भी तंज कस रही है कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन की तरह काम करें और दिल्ली सरकार ने जो कमिटमेंट की है दिल्ली की जनता से, वो कमिटमेंट पूरी हो, कब तक पूरी होगी? नहीं, उसमें हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे भी, उसको शानदार पार्क बनाएंगे और बीजेपी वालों को ले जाके वहाँ पे एक अच्छी सी पार्टी भी उनको देंगे, खाना पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, कॉफ़ी भी पिलाएंगे। अभी नॉमिनेशन हुआ है, क्या लग रहा है सर्वसम्मति के साथ मेयर बन जाएगा, क्योंकि निर्दलीय को लेके काफ़ी संभावनाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, बीजेपी को अभी ये तय करना है कि वो अगले 5 साल दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं या वही तोड़ फोड़ ED CBI केस पैसे से खरीदना पार्षद ये करना चाहते हैं, वो तय कर ले। कमेटी भी गठित की जाएगी?
सब करेंगे, ब्लूप्रिंट अच्छे से इंप्लीमेंट हो, जो भी जरूरत पड़ेगी सब करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की आम आदमी पार्टी से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, जैसा दुर्गेश पाठक का कहना है कि 15 दिन के अंतराल में ही दिल्ली साफ होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या जो वादे दिल्ली सरकार ने किए थे निगम के चुनाव में दिल्ली की जनता से, वो वादे कब पूरे किए जाते हैं? वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। वहीं यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें स्मृति चिन्ह स्वरूप नाव भेंट की। इस मुलाकात के दौरान संजय निषाद और अमित शाह के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान संत कबीर नगर के इससे सांसद प्रवीण निषाद भी मौजूद रहे। तो आरक्षण के मुद्दे पर देखिए मुलाकात हुई है अमित शाह से, संजय निषाद ने मुलाकात की, ये बड़ी तस्वीर आज की जहां पर कई और अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। हालांकि आरक्षण का ये मुद्दा काफी ज्यादा खास रहा है जिस पर मुलाकात हुई और इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है।